पर लाठी चार्ज किया गया है। किसानों पर लाठी चार्ज के बाद हरियाणा में चक्का जाम हुआ है। दर्जन भर जिलों में किसानों ने किया रास्ता जाम। किसानों पर लाठी चार्ज किया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर। लाठी चार्ज में 10 पुलिस कर्मियों समेत 14 लोग घायल हो चुके हैं। गिरफ्तार किसानों की रिहाई पर ही जाम खोलेंगे। ये किसानों ने बड़ा बयान जारी किया है कि जब गिरफ्तार किसानों की रिहाई होगी तभी वो जाम खोलेंगे। आंदोलन को बर्बर कृत्यों से दबाया नहीं जा सकता, ये किसान मोर्चा ने बयान जारी किया है। करनाल में सीएम का विरोध करने पर हुआ था लाठी चार्ज। किसान करनाल में सीएम का विरोध करने पहुंचे थे जहां पर उन पर लाठी चार्ज किया गया। दर्जन भर जिलों में किसानों ने किया रास्ता जाम। लाठी चार्ज में 10 पुलिस कर्मियों समेत 14 लोग घायल हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों पर लाठी चार्ज किया गया है। गिरफ्तार किसानों की रिहाई पर ही जाम खोलेंगे, ये किसान ने बड़ा दावा किया है। आंदोलन को बर्बर कृत्यों से दबाया नहीं जा सकता, ये उनका बड़ा बयान जारी किया गया है। करनाल में सीएम का विरोध करने पहुंचे थे किसान जिन पर लाठी चार्ज हुआ है। किसानों पर लाठी चार्ज के बाद हरियाणा में चक्का जाम किया गया है। दर्जन भर जिलों में किसानों ने रास्ता जाम किया है। लाठी चार्ज में 10 पुलिस कर्मियों समेत 14 लोग घायल हो चुके हैं। आंदोलन को बर्बर कृत्यों से दबाया नहीं जा सकता, ये किसान मोर्चा ने कहा है। करनाल में जब सीएम पहुंचे थे तो उनका विरोध करने के लिए किसान वहां पर अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए गए थे सीएम के प्रति, लेकिन वहां पर किसानों पर लाठी चार्ज किया गया जिस पर गुस्साए किसानों ने हरियाणा में चक्का जाम किया था। और किसानों ने ये कहा था कि हम रास्ता तभी खोलेंगे जब गिरफ्तार किसानों की रिहाई होगी। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की हर खबर की हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर। अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।